आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी, मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। इन दिनों रबी सीजन की फसलों की खरीद चल रही है। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को चना खरीद पर बड़ी राहत दी है। अब किसान सरकारी रेट पर रोजाना 40 क्विंटल तक चना बेच सकेंगे। पहले ये लिमिट सिर्फ 25 क्विंटल की थी। हालांकि नई लिमिट के साथ एक शर्त भी रख दी गई है ताकि कोई फर्जी बाड़ा ना हो सके। मंडी में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रोजाना 40 क्विंटल खरीद की सीमा इस कंडीशन के साथ तय की गई है कि संबंधित किसान के लैंड रिकॉर्ड की मैपिंग उत्पादकता के साथ की गई हो। कृषि विभाग के इस आदेश की कॉपी सभी संबंधी अधिकारियों को भेज दी गई है। अब किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए बार बार मंडी नहीं जाना होगा। रबी सीजन में अपनी उपज बेचने वाले किसानों को राज्य सरकार ने कुछ और राहत भी दी है। इसके तहत चने और सरसों की खरीद की दूसरी लिमिट भी बढ़ा दी गई है जो उपभोक्ता से संबंधित है। कृषि मंत्री ने इस बदलावों की जानकारी दी थी। उनके अनुसार पहले इस तरह की व्यवस्था की और एक हेक्टेयर जमीन होने पर सिर्फ 15 क्विंटल चना एमएसपी पर खरीदा जाता था, लेकिन अब इसमें वृद्धि करके 20 क्विंटल तक ये कर दिया गया है। भारत में सबसे ज्यादा चने का उत्पादन मध्य प्रदेश में ही होता है। कृषि मंत्री ने बताया कि पहले यदि किसी किसान के पास एक हेक्टेयर जमीन होती थी तो उससे महज 13 क्विंटल सरसों की एमएसपी पर खरीदा उसे जाता था, लेकिन अब इसमें वृद्धि करके रिकॉर्ड 20 क्विंटल कर दिया गया है। पुरानी व्यवस्था में एक किसान से एक दिन में महज 25 क्विंटल सरसों खरीदने की परमिशन थी, जिसे खत्म करने में किसानों को राहत दी गई है। यानी अब किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बार बार मंडी का चक्कर नहीं लगाना होगा। रबी सीजन 2021-22 में 114.27 लाख हेक्टेयर में चने की बुआई की गई थी। इस साल रिकॉर्ड 13 से 12 मिलियन टन चना उत्पादन का अनुमान है। इस साल चने का एमएसपी 5,320 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। इससे सबसे बड़े उत्पादक सूबे में बंपर पैदावार होगी। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही। और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।